हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिकिपिया ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग थोड़ा अलग से स्टार्ट हो रहा है और देखो इतना सुबह सुबह हम दोनों रेडी हो के निकल रहे हैं और आज हमारा मूड भी नहीं है कि जैसे हम हमेशा दोनों मिलके इंट्रो करते हैं ऐसे आज बनाए। आज सुबह सुबह हम निकल रहे हैं क्योंकि बहुत कुछ हो गया है मिडिल में जो कि हम आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाए। आज रिक ने बोल रहा था कि थोड़ा सा ही सही लेकिन ब्लॉग बना के सबको बोलो कि हमारे लाइफ में क्या चल रहा था, तो इसीलिए हम ब्लॉग बना रहे हैं। एक्चुअली रिक का ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था मिडिल में, इसीलिए हम ब्लॉग नहीं दे पा रहे थे। तो डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने बहुत ज़्यादा टेस्ट दिया है तो वो करने के लिए हम गए थे, लेकिन संडे था मिडिल में और उसके बाद ईद था, इस वजह से ना रिपोर्ट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। लेकिन दिन जितना जा रहा था रिक का उतना ही पेन बढ़ रहा था, इसलिए रिपोर्ट करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि रिपोर्ट हाथ पे आने के बाद ही उसको कोई दवाई वगैरह दिया जाएगा। और जैसे ही यहाँ पे आए इसको ना पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था क्योंकि यूएसजी की वजह से इसने कुछ खाए भी नहीं था। आ गए डुंकी के घर में, एक्चुअली वहाँ पे गए थे लेकिन बहुत ज़्यादा पानी पीना होता है और बहुत ज़्यादा ज़ोर से सुसु का भी प्रेशर होना चाहिए तभी जाके वो क्लियर जो फ़ोटो होता है वो निकल के आते हैं। लेकिन रिक को ऐसा कुछ हो नहीं रहा था, बहुत ज़्यादा पानी पिया था लेकिन हो नहीं रहा था, तो हमने सोचा कि चलो शाम को टाइम दिया है 5:30 बजे, तो हमने सोचा चलो अभी घर पर चलते हैं। तो मैं अपने घर पर नहीं जाऊँगी क्योंकि घर पर आई हूँ यहाँ पर, तो रिक को बोला था कि 12 बजे तुम खाना खा लेना, उसके बाद कुछ नहीं खाना चाहिए। इनकी जल्दी से आके वो जो चावल होता है वो और साथ में आलू बॉयल बना दिया और ये आज रिक खाएंगे और हम लोग कुछ खा लेंगे, देखते हैं क्या बनाते हैं क्या नहीं। तो चलो अभी शाम को मिलती हूँ क्योंकि अभी क्या है कि बहुत टायर्ड सा लग रहा है। ये है दोपहर का खाना, तो ये क्या है पता नहीं, एक्चुअली ये थाली आंटी ने दिया है पास से। आलू और पोटल, पोटल भाजा, अच्छा आलू पोटल फ्राई, बैगन भरता, बैगन भरता खाना बाबा अनेक भात समझ दे, और ये कलमी शाक भाजा, पापड़, पापड़ डाल, आमलोकी का डाल, ठीक है अभी इनकी को नहीं दिखाएंगे। तो चलो अभी लंच कर लेते हैं और ये तो अपना खाना खा लिया था। तो डॉक्टर ने हमें बोला था 6 बजे जाने के लिए, अभी 5:30 बज चुके हैं तो अभी हम निकल रहे हैं। और कल भी रिंकी हमारे साथ डॉक्टर के पास गए थे और आज भी सुबह सुबह जाने के लिए बोला था, तो सुबह ये रेडी था लेकिन मैंने ही बोला कि ब्लड टेस्ट तो आते ही हो गया तुम अभी मत आओ, तो शाम को हम एक साथ में चलेंगे। तो अभी हम पहुँच गए और रिंकी और रिक अंदर है, मैं पूरा नर्वस थी तो मैं बाहर बैठ गई, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा था मुझे और लाइफ में ना बहुत फ्रेंड नहीं मिला, एक दो जो भी फ्रेंड मिला ना बहुत ज़्यादा हमारे साथ रहते हैं, अच्छे टाइम पे ना भी मिले लेकिन बुरा टाइम पे तो रहते ही रहते हैं। तो अभी यूएसजी हो गया और अभी हम चल रहे हैं रूम पे। तो गाइस आज शाम हम खाएंगे पपीता है ना, लेकिन इसका ना हमारे यहाँ पे होता है थोड़ा अलग होता है, और यहाँ पे जो होता है ये देखो आधा रेड आधा क्या ऑरेंज है और एक भी दाना नहीं है, अजीब सा है। उसके बाद मैं आ गई थी किचन पे क्योंकि जिस दिन से रिक का तबीयत ख़राब था ना हम बस दाल और चावल खा रहा था, तो रिक ने बोला आज मुझे मछली खाने का मूड है और मम्मी ने भी बोला कुछ बना लो, तो मैंने सोचा चलो इसको सब्जी भी खाने के लिए बोला है और थोड़ा सा हमें लगा था कि गैस का प्रॉब्लम है इसलिए लौकी दे के मैंने मछली का झोल बनाया विदाउट मसाला से, और बहुत ज़्यादा सब्जी खाने के लिए बोला था इसलिए घर में जितना भी सब्जी वगैरह था सारे मिला के एक सब्जी बना लिया। तो यहाँ पे रेडी हो गया था डिनर, तो भगवान की दुआ से उस दिन रिक का कोई पेट में दर्द वगैरह भी नहीं था। तो यह है नेक्स्ट डे का शाम क्योंकि हमें जाना था रिपोर्ट लाने के लिए और रिपोर्ट देना था 7:00 बजे, तो इसीलिए हम दोनों निकल गए थे और बहुत ज़्यादा टेंशन में थी कि क्या बोलेंगे डॉक्टर। और यहाँ पे आके जो ब्लड का टेस्ट था 6 ब्लड टेस्ट दिया था तो वो ले लिया, उसके बाद हमें भी जाना है जो यूएसजी किया था उसका भी रिपोर्ट लेने के लिए, और वो दूसरे जगह पे है लेकिन पास में ही है, उतना भी दूर नहीं है, वो दिख रहा है जगह जो कि मैं दिखा रही थी वहीं पे हमें जाना था। तो चलो हम पहुंच भी गए और रिक को मैंने बोला कि तुम बाहर बैठो क्योंकि रिक को ना बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा था, मुझे भी बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा था लेकिन मैंने रिक को दिखाया नहीं था, ये बाहर बैठ के अपना ही वीडियो बना रहा था, पता नहीं क्यों वेट भी कर रहा था मेरा। मैंने बाहर निकल के देखा बहुत ज़्यादा हवा दे रहा था और बारिश भी हो रहा था, तो जल्दी जल्दी हम यहाँ पर
तो गए थे लेकिन डॉक्टर आज आने ही नहीं वाले थे, तो मैंने उनको कॉल करके रिक्वेस्ट किया आने के लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था रिक को, तो इतना अच्छे थे डॉक्टर की रिक को बस देखने के लिए वो आ गए थे। गाइस गुड मॉर्निंग, अभी टाइम हो चुका है 3:30 और आज बहुत सुबह सुबह उठ है क्योंकि रिक का है आज ट्रेन, तो इस वजह से बहुत सुबह सुबह उठना पड़ा। रिक रेडी हो रहा है, मैं तो रेडी हो गई हूँ और पूरा रात सोई नहीं, पूरा रात जगह मतलब एक मिनट के लिए भी सोई नहीं। तो ये शुरुआत हुआ था, एक्चुअली रिक का तबीयत ठीक नहीं था, ये स्टार्ट हुआ था 4 दिन पहले। तो रिक यहीं पे सोए थे नीचे पे और मैं खाना बना रही थी, अचानक से रिक आके बोला कि बहुत ज़्यादा पेट में दर्द हो रहा है। तो ये मैंने सोचा पहले गैस का प्रॉब्लम होगा इस वजह से, क्योंकि अगले दिन बिरयानी खाए थे तो उस वजह से मैंने गैस का टैबलेट दिया लेकिन ठीक नहीं हुआ। उसके बाद इसका रिक का जो जीजू है उनको कॉल लगाया तो सारा कुछ बोला कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, तो उन्होंने दवाई दे दिया और मैंने जाके मतलब लेके आया और रिक को दे दिया। रिक ठीक भी हो गया था, उसको कोई दवा मतलब प्रॉब्लम ही नहीं था। तो उसके बाद गुड मॉर्निंग, तो उसके बाद रात को मतलब 10:30 फिर से वो मतलब दर्द स्टार्ट हो गया और बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो उसको डॉक्टर के पास लेके गया और उतने रात को तो डॉक्टर होता भी नहीं है। मैंने इमरजेंसी में बोला कि डॉक्टर को बुला लो नहीं तो बहुत दर्द हो रहा है, मतलब सहा नहीं जा रहा था। तो डॉक्टर आए और रिक को देखा जैसा इसका प्रॉब्लम था तो रिपोर्ट करने के लिए दिया था। तो 2 दिन लग गया रिपोर्ट के लिए क्योंकि मेरे में ना संडे था, इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। तो रिपोर्ट वगैरह होने के बाद आज फाइनली रिक को डॉक्टर दिखाया और डॉक्टर ने बोला कि रिक का जो प्रॉब्लम है तो रिक को एक्चुअली स्टोन है और स्टोन ना थोड़ा बड़ा हो गया है, 10 सेंटीमीटर का हो गया है, तो वजह से रिक को उसके लिए ओटी करवाना ही होगा, उसके अलावा कोई मतलब चांस ही नहीं है कुछ। तो घर से बोला कि रिक को यहीं पे डॉक्टर वगैरह सारा कुछ जान पहचान है, यहाँ पे तो कुछ उतना है नहीं, तो घर वाले हम लोगों को उतना कुछ मालूम भी नहीं, तो मालूम नहीं है लेकिन मालूम करवा सकते थे। रिक का घर वाले ना बहुत टेंशन कर रहा है तो बोला जाने के लिए, और मैंने भी सोचा वहीं पे जितना जाना पहचाना है यहाँ पे नहीं है, अच्छे से हो जाएगा वहीं से। तो वैसे रिक आज जा रहा है और मुश्किल से कल रात को ही हमने वंदे भारत का टिकट कर लिया था, इसको बोला था फ्लाइट में जाने के लिए लेकिन ये कंफर्टेबल नहीं था, तो वंदे भारत का बिना और कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि उसको जो होता है ना जो एक क्या बात है उसके हाँ हिलता है तो उस टाइम पे इसको ना बहुत ज्यादा दर्द होता है। तो वंदे भारत एक ट्रेन है जो कि बहुत कम टाइम लग जाएगा और उतना भी मतलब हिलदुल नहीं होता, तो इस वजह से उसका वही ट्रेन में टिकट मैंने कर दिया। तो अभी 6:00 हाँ 55 मिनट में ट्रेन है, इस वजह से पूरा रात मैं तो टेंशन के मारे सोया भी नहीं हूँ। तो अभी निकल जाएंगे हम 4:00 ओला बुक करके निकल जाएंगे। और प्रिया का ब्लॉग एडिटिंग करते करते 2 ही बज गए, मैं एक्चुअली ब्लॉग नहीं बनाती, रिक ने इतना बार बोला कि ब्लॉग बना लो ब्लॉग बना लो, आप सब लोग बोलेंगे कि ब्लॉग क्यों नहीं डाल रहे हैं, आप लोग भी हम लोगों का फैमिली मेंबर की तरह ही आप लोगों को भी जानना के पूरा हक है, इसलिए बहुत दिन से ब्लॉग नहीं दे रहा था। क्यों नहीं दे रहा था, रिक का तबीयत की वजह से ही दे नहीं रहा था, पता नहीं मतलब हमारे लाइफ में ना किसी का नजर लग गया है क्योंकि एक के बाद एक प्रॉब्लम आता ही जा रहा है, प्रॉब्लम ठीक होने के नाम ही नहीं ले रहा है। 2 वीक हुआ है रिक घर से आए और फिर से जाना पड़ रहा है, तो भगवान करे सब कुछ सही से हो जाए और ये वापस मेरे पास आ जाए, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। हर टाइम घर में जाने के टाइम मुझको बहुत आनंद आता है मगर इस बार में 5 मिनट के लिए सोया, मैं सपना देख रही थी काश मुझको अभी घर नहीं जाना पड़ता, काश ये नहीं होता। तो क्या करे, भगवान जो चाहे वही होगा, तो आप लोग प्रे करना रिक के लिए कि ये जल्दी ठीक होके मेरे पास आ जाए। और मुझे तो ऐसे ही मतलब ये सब बहुत डर लगता है, ऊपर से रिक को हो रहा है, मतलब मुझे इतना रोई ना मुझको खुद ही क्या बोले, तो मुझे तो यही लग रहा था कि भगवान इसको ना दे के मुझे दे देते तो बहुत अच्छा होता। तो मुझे बिल्कुल भी ना, हमने सोचा था कि गैस का प्रॉब्लम होगा या फिर कुछ छोटा स्टोन होगा तो दवाई के जैसे ही ठीक ठाक हो जाएगी, लेकिन पता नहीं भगवान क्या चाहते हैं, जो उनका तो वो जो चाहेंगे वही होगा। तो अभी और क्या ही बोलूँ, तो चलो बहुत दिन आप लोगों को ब्लॉग वगैरह मिलेगा नहीं, मेरा मेरा मतलब माइंड इतना मतलब मेंटली
मैं ऐसा नहीं हूँ कि ब्लॉग बना के छोड़ू, तो पता नहीं ठीक आ जाए उसके बाद आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर होगा, तो मैंने सोचा चलो बता देते हैं, और अभी टाइम भी बहुत हो चुका है, तो चलो अभी निकल जाते हैं, बाद में मिलती हूँ, ठीक है। रिक्का फिट मिल गया है और कुछ ही टाइम बाकी है बस, और 30 मिनट, उसके बाद 10 भी छूट जाएगी, तो बाकी का ब्लॉग मिलेगा आप लोगों को मुझे पता नहीं, बस रिक्को बाय बाय कर दो, करना मेरा कोई दर्द ना हो, तो चलो भाई आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, बाय बाय।